हाँ जी, गुड मॉर्निंग सारे, सत श्री अकाल जी। होप सो सारे जने वधिया होवोंगे, ठीक ठाक होवोंगे। तो अज का जिहड़ा ब्लॉग है जी, वह हैगा अपना न्यू सूट, ठीक है, जिहड़ा स्पैशल समर के लिए न्यू सूट। मैं तुहानू कल वाले ब्लॉग के दस के हटी हाँ भी नवा सूट है जिहड़ा अपना रेडी होयागा। कॉटन का सूट आ बहुत ज़्यादा, तो उहदे बारे जिहड़ी डिटेल आ तुहानू उह देणी आ भी किन्ने सूट आ, तो तुसी ऑर्डर किन्ने टाइम के कर सकते हो, किन्ने टाइम के रेडी होकर तुहानू मिल सकता है ना। उहदे नाल आपां किद्दां दा मेकअप कर सकते हैं, सारे जने पुछ रहे सीगे भी गर्मियों के आपां किवें दा मेकअप कर सकते हैं। तो अज का ब्लॉग आ जिहड़ा उस टॉपिक ते आ भी आपां गर्मियों के किवें दा मेकअप कर सकते हैं, ठीक है, किवें दा मेकअप अपने सही रहेगा, किहड़ा फाउंडेशन, किहड़ियां चीज़ां मतलब चाहीदियां ने आपां नूं गर्मी के मेकअप करन के लिए, की कुछ चाहिए, तो किद्दां दा आपां जिहड़ा कॉटन के सूट नाल मेकअप कर सकते हैं। हेलो भैने, भैने बोली नहीं, मैं तेनू बुलाई जानी हाँ, ठीक है, मैं तेनू बुलाई जानी हाँ, पता नहीं लग्या, अच्छा इधर गल मार दी, नहीं मैं तेरे मेरा सूट सोहना देख, अज कौन आटन बहुत बिकन गए अपने, वधिया सूट है ना, वधिया सूट है ना। जल्दी जल्दी हुण मैं नैक्सट स्टैप की आ, आपां तुहाडे नाल जिहड़ा स्टैप बाय स्टैप आ जिहड़ा मेकअप किद्दां करना गा, नाले सूट किवें दा गा, की चीज़ां इहदे विच ऐड कीतियां ने, उह सारी डिटेल आपां तुहानूं दसदे आ, ठीक है, मिलदे आ नैक्सट स्टैप। हाँ जी, हुण आपां करन जा रहे हैं अपना मेकअप स्टार्ट। तुसीं देखो पहलां बिल्कुल सिंपल कॉटन का सूट पाया गा, जिवें कि आपां किते जाणा होवे, ठीक है, सिर्फ मीन जी कह सकते आपां कैजुअल ड्रैस आ, ठीक है। सब तो फस्ट तो आपां की यूज़ करना गा, पहला तो देखो अपना फेस वॉश करना गा चंगी तरह, करन तो बाद अपने फेस नू क्लीन करना गा, मीनस क्लीनजिंग लोशन आउंदा गा, ठीक है, उहदे नाल थोड़ा जिहा लैके ना फेस ते इत्थे 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 इत्थे, दैन उहदी प्रोपर वधिया तरीके नाल मसाज, मसाज करन तो बाद ठीक है कॉटन दे नाल आपां उहनू उतार लेना गा, उतारन तो बाद फेस वॉश कर लेना गा, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ कर लगी हाँ, थोड़ा टाइम ही हो मैं यूज़ करती, मैक्स ग्लो का गा, बहुत वधिया रिजल्ट आ, बहुत ज़्यादा बेस्ट, ठीक है, जिहड़ा क्लींजन लोशन आ ये, क्यों क्योंकि ये एलोवेरा भी है, तो मिल्क प्रोटीन भी आ, तो जिहड़ा मिल्क हुंदा वो बहुत ज़्यादा वधिया क्लीन करता अपनी स्किन, तो जे किसी मींज के ये नहीं यूज़ करना चाहते तो एक आप घर भी बना सकते हैं, दो जड़े हैगे ने चमचे, ठीक है, वो तुसी कच्चे दुध दे ले लियो, तो उहदे विच दो चमचे तुसी पा लियो गुलाब जल दे, ठीक है, गुलाब जल आम मार्केट दे विचों आपां नूं मिल ही जांदा गा, तो उहनू आपां चंगी तरह मिक्स करके, मिक्स करन तो बाद रूई नाल भिओं के, ठीक है, इत्थे 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 लगा के चंगी तरह मसाज करके फिर उहनू रूई नाल उतार के फेस नूं वॉश कर सकते हो, ठीक है। इस तो बाद मैं की कीता, ठीक है, अपने फेस नू वॉश कीता गा, किदे नाल, फेस वॉश नाल, ठीक है। ये स्टैप तो बाद फेस वॉश करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपां नूं पता, देखो अपने फेस ते बहुत ज़्यादा धूड़ मिट्टी हुंदी आ, ते जिवें आपां हाथ हाँ ना, हाथ भी आपां कितों बाहरों आईए तो आपां साबुन नाल धोणे आ, ठीक है, जां डिटॉल नाल, कोई भी हैंड वॉश नाल आपां हत्थां नूं आ वॉश करदे आ, ठीक है, तां बई फेस ते फेस वॉश क्यों नहीं यूज़ करते, करना ही चाहिदा, बिकॉज बहुत ज़्यादा डर्ट हुंदी आ, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा हुंदा फेस, काफ़ी सारे आपां धूड़ मिट्टी दे विच रहने आ, बाहर जाने आ, ठीक है, वैसे भी एटमोसफीयर अपना किद्दां दा हुंदा, ठीक है। तो मैं ये वाला जिहड़ा फेस वॉश यूज़ करदी आ, ये ग्लोजियस का यूज़ करदी आ, बहुत ज़्यादा वधिया फेस वॉश आ मेरी स्किन दे लई, ठीक है, तुहाडी स्किन दे लई किहड़ा वधिया गा, तुसीं किहड़ा यूज़ करदे हो वो, ठीक है, तुसी आप दे अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये वाला जिहड़ा फेस वॉश है इन्ना को ज़्यादा वधिया गा, मीनज के एक तो जो आप फेस वॉश करते ना, बिल्कुल देखो तुसी मेरी इन्नी को ज़्यादा स्मूथ स्किन लगती है ना, इस तो बाद बिल्कुल ड्राई नहीं होंगी, एकदम बहुत ज़्यादा सोहनी रहती है, ठीक है जी। ये अपने सब तो पहला ये वाले स्टैप जरूरी ने, दैन आप इस तो बाद। हाँ जी, हुण आप जिहड़ा ठीक है यूज़ करांगे वो सीरम यूज़ करांगे, तो जिहड़ा मैं सीरम यूज़ करन लगी हाँ, मीनज मैनूं थोड़ा टाइम ही होया, बट इहदा रिजल्ट बहुत ज़्यादा वधिया गा, तो मैनूं काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे भी तुहाडी स्किन जिहड़ी पहलां नालों ज़्यादा ग्लो करन लग गई, तुहाडा फेस बहुत क्लीन हो गया, किद्दां होया, तां उह देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी भी डॉक्टर की मैडिसिन नाल ही फर्क पिया सी, बट उस तो बाद मैं खुद केयर करन लगी हाँ, तो वह केयर मैं किवें करन लगी हाँ, ठीक है, डे केयर मेरी किद्दां दी हुंदी आ, स्किन केयर डे टाइम मेरी किद्दां दी हुंदी आ, नाइट की किद्दां दी हुंदी आ, वह मैं सारियां तुहाडे नाल वीडियो
ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਰਮ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰਨੀਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਬੂਸਟਰ ਸੀਰਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਜ਼ 'ਤੇ चंगी तरह मसाज कर लांगे मसाज हमेशा उपर नू ही करनी चाहिदी आ इस तो बाद तुसी देखियो तुहाडी स्किन ना बहुत ज़्यादा समूथी लगूगी इन्नी को ज़्यादा समूथी लगूगी भी अपना आपां जदों एवें टच करांगे ना स्किन नू वधिया लगदा गा भी हाँ देख सकते हो भी बहुत वधिया ग्लो आउंदा पहले ही किन्नी चमका मेकअप तो पहले ही फेस ते किन्नी ज़्यादा चमक आ जाती है दैन इस तो बाद मैं यूज़ करती हाँ आई क्रीम मैं यूज़ करती हाँ मोमार्थ की ठीक है बहुत ज़्यादा वधिया डार्क सर्कल वगैरह काफ़ी कुड़ियाँ पूछदियाँ सी साढ़े डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा ने किवें क्लीयर होणगे प्लीज़ सानू कुछ ना कुछ दसो है ना तो भाई जिहड़े डार्क सर्कल ने वो क्लीयर होणगे मोमार्थ की आई क्रीम ठीक है तुसी रात नू भी यूज़ कर सकते हो लगा के सो सकते हो जिते जिते ताडे डार्क सर्कल ने थोड़ी जी लैनी है मेरा शीशा इधर बारी बारी मैं इधर ता देख रही हूँ क्योंकि इधर मिरर लग्या होया इधर ता देख रही हूँ क्योंकि मैं तुहानू दस रही हूँ तो ये सारिया चीज़ा मैं पहला खुद फॉलो करन लगी हूँ मैं तुहानू ताइयो पहला नहीं सी दसिया बिकॉज मैं आए से भी पहला मैं फॉलो करा ठीक है जे सही है तो ही मैं तुहानू है ना सारिया दसा नहीं तो मैं भी नहीं तुहानू दस सकती है ना भी किदा किवें हाँ जी इस तो बाद आप यूज़ करांगे ठीक है मिटवाना दी जिहड़ी डे क्रीम आ ते बहुत ज़्यादा वधिया पता की है ये एक खासियत भी डे क्रीम विद यू वी प्रोटैक्शन मीनज अपने ये धुप तो भी वधिया प्रोटैक्ट करती है फेस नू तो ये वाली जिहड़ी क्रीम आ बई ये आउंदी आ 465 रुपए की आउंदी आ बट काफ़ी सारी मतलब पैकिंग भी फुल होंदी आ वधिया काफ़ी टाइम चल जाती है जिवें रात नू मेकअप वेले पता की आ मॉइस्चराइजर जरूरी हुंदा ना तो डे टाइम के वेले आप डे क्रीम यूज़ करा हुण इहनू चंगी तरह आप मसाज करांगे ये वाली क्रीम आ जिहड़ी इन्नी को ज़्यादा वधिया मतलब कि ला के इन्ना रिलैक्स फील हुंदा ना फेस नू एवें लगता हुंदा भी ठंडा 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 लगन लग जाता फेस गर्मी च तुसीं ऐ देखो भी हले मैं कुछ नहीं लगाया किन्ना मींज किन्नी चमक रही है स्किन चमकन लग जाती है बहुत ज़्यादा चमकती है ग्लो देखो आ सारिया चीज़ा यूज़ करके कई बार लगता हुंदा भी नहीं यार भी हुण कुछ ना लगाइए बट जदों कितें जाना हुंदा फिर थोड़ा बहुत तो जिहड़ा शिंगार आ कुड़ियां लई बनिया होया है ना ते आपां नूं करना भी चाहिए फुल आ जिहड़ी ये तैयारी हो चुकी है फेस की भी हाँ हुण आपां इहते कुछ भी यूज़ कर सकते दैन इस तो बाद जड़ा है गा आप यूज़ करांगे वैसे तो ये वाली क्रीम तो बाद तुसी मतलब स्किप भी कर सकते हो सनस्क्रीन नू बट मैं स्किप नहीं करती हूँ सनस्क्रीन नू मैं यूज़ करती ही करती हाँ बिकॉज मैं क्यों यूज़ करती हाँ क्योंकि मेरे एक बार शाइया होकर हट गई तो जिहड़ियां शाइया हुंदियां ने ना ये खास करके धुप करके हुंदियां ने जां कोई घाट करके तो हुंदियां ने बट फिर भी स्किन ते ज़्यादा डार्क क्यों होने लग जांदियां ने धुप करके तो सनस्क्रीन है जिहड़ी बहुत ज़्यादा जरूरी है हाँ जी जिहड़ी सनस्क्रीन है ठीक है ये तुसी जिहड़ी यूज़ करदे हो मैं मेरी स्किन दे अकॉर्डिंग यूज़ करदी हाँ क्योंकि मैनू मेरी स्किन के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने रेकमेंड की ये वाली ठीक है बट ये वाली जिहड़ी सनस्क्रीन मैं बहुत सारिया यूज़ करके देखी हैं बेस्ट सनस्क्रीन आ मैंने डॉक्टर ने दसी सी तो तुसी भी किसी भी स्किन वाले डॉक्टर नूं आपदा फेस दिखा के उन्हां तों ठीक है ले सकते हो भी मैं किदां दी सनस्क्रीन है जिहड़ी यूज़ करा तो मैं जिहड़ी यूज़ करदी हाँ वो आ वाली यूज़ करदी हाँ बहुत ज़्यादा वधिया सनस्क्रीन है इहदे नाल फेस आ जिहड़ा ऑयली जिहा नहीं लगता अच्छा लगता गा टिकिया टिकिया जिहा लगता हुण आपां सनस्क्रीन यूज़ करांगे इन्नी को ज़्यादा वधिया सनस्क्रीन है ये कोई फेस नाल ना तो मतलब चिपचिपा जहा फेस लगता ये नाल ना ऑयली जहा लगता नहीं तो आलमोस्ट पता की लगता हूँ सनस्क्रीन लगा के ना फेस ऑयली जहा लगन लग जाता
ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਪਚਿਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਇਲੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਮਾਰਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਮਾਰਥ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗਲੋ ਸੀਰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੰਮ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਕਰੀਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਿਨ ਟੂ ਮੱਚ ਗਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੀ ਲਿਪ ਬਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਜਲ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਕਿਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੀਨਜ਼ ਸਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਸੈਂਸਟਿਵ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਡਰਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੇਸ 'ਤੇ, ਫੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗਲੋ ਪੂਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਫੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹ ਕੰਸੀਲਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਸਕਿੱਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਕਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਸੀਲਰ, ਠੀਕ ਆ, ਕੰਸੀਲਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਲੁੱਕ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਟਨ ਦਾ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਲਰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਲਰ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੂਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੰਸੀਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਲੱਗੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੀਲਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸੀਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਮੇਕਅਪ ਸਟੂਡੀਓ ਟੱਚ ਐਂਡ ਗਲੋ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਔਕਵਰਡ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੈਕਮੀ ਦਾ 9 to 5, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਆਈ ਲਾਈਨਰ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਨਰ ਸਿੰਪਲ ਲਾਉਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
हर एक चीज सिंपल ही वधिया लगती है जिन्नी भी होगी। तो लाइनर है जड़ा अपना लग गया, तो हम आप वेट करांगे भी सुक जी जल्दी जल्दी सुक जूगा। तो सिर्फ इन्ना कि लाना, कोई पिछे नहीं लैके जाना, कोई ज़्यादा नहीं, बिकॉज मैनू इन्ना कि वधिया लगता। हाँ तुसी जिवें तुहानू अच्छा लगता तुसी उवें आई लाइनर यूज कर सकते हो, ये तुहाडी चॉइस आ। हुण जिहड़ी टर्न आ गई ठीक आ, हुण आपां यूज करांगे मस्कारा। मस्कारा तो बिना सब कुछ अधूरा गा ठीक है। मस्कारा जिहड़ा मैनू बेस्ट लगता, बेस्ट टू बेस्ट फैशन कलर का ही लगता गा, मैं हुण तक फैशन कलर का ही यूज़ किया गा। तो बिच दी मैं यूज़ किया एक होर, बट वह भी फैशन कलर का सी, बट वो इन्ना ज़्यादा बेस्ट नहीं सी। ब्राउन कलर की पैकिंग आउंदी है, इहदे नाल ना पता की लगता आईलैसेस ने जिहड़ियां अपनियां लंबिया लंबिया लगदियां ने, तो लुक होर भी ज़्यादा अफेक्टिव लगता। तुसी हुण भी देखो मेरिया ठीक है आईलैसेस, तो तुसी मस्कारा लगन तो बाद भी देखियो, बहुत ज़्यादा अच्छा गा। पहले इहनू शेक जरूर कर लियो, शेक करन तो बाद देखो तुसी आ वाली अख ते आ वाली अख दे विच अपने आप ही डिफरेंस लग रहा। देखो भी अखा किन्नियां सोहणियां लग रही ने, किन्ना सोहना मस्कारा लग्या ठीक है। दैन इस तो बाद हुण अपनी बारी आ गई कजल दी ठीक है। तो कजल आपां किहड़ा पाउणा गा, कजल आपां ते तुहानूं एक चीज़ मैं होर दसदा, लैक्मी दे विच तुहानूं इक्को रेट दे विच ही मिलदे आ ठीक है। ओरिजिनल भी तुहानू उही रेट का दिता जाता, तो दूसरा भी तुहानू उही रेट का दिता जाता। तो माड़ा जिहा देखिया करो जिहदे उत्ते 185 लिखे होंगे है ना, वह ओरिजिनल होंगे, जिहदे उत्ते 180 लिखे होंगे ओरिजिनल नहीं होंगे। जिहड़ा मैं यूज़ कर रही हाँ लैक्मे का आइकोनिक कजल, तो बहुत ज़्यादा वधिया कजल है, तो बहुत ज़्यादा घंटा तो बिल्कुल निकलता भी नहीं है, तो फैलता भी नहीं है। हाँ जी तो तुम देखो जिहड़ा कजल आ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोहना लग रहा है, तो मेकअप भी बहुत ज़्यादा वधिया लग रहा। तो हुण आपां मैं कोई भी ब्लशर नहीं यूज़ करूँगी ठीक है, ना ब्लशर यूज़ करा तो ना मैं हाईलाइटर यूज़ करा, बिकॉज ये सिर्फ नॉर्मल जहा मेकअप आ ठीक है, डेली वेयर का मेकअप सिर्फ नॉर्मल जहा। तो हुण जिहड़ी चीज़ रह गई रहेगी अपनी लिपस्टिक ठीक है, हुण मैं वो यूज़ करदी हाँ। लिपस्टिक यूज़ करन तो बाद फिर अपनी फाइनल लुक आ जिहड़ी रेडी। हाँ जी आपां हुण करांगे ठीक है कलर लाइफ की लिपस्टिक यूज़। तो कलर लाइफ की है जिहड़ी, मतलब कि ये ज़्यादा मैटी भी नहीं हुंदी, ज़्यादा स्मूथी भी नहीं हुंदी, बिल्कुल नॉर्मल हुंदी आ, तो वधिया लगती है, लाइट जी शेड है इहदी ठीक है, तो मैनू बहुत ज़्यादा वधिया लगती है ये वाली, मैं यही यूज़ करदी हाँ। सारे ने पुछदे तुसीं लिपस्टिक किहड़ी यूज़ करदे हो, तो मैं यही यूज़ करदी हाँ। लिपस्टिक यूज़ करन तो पहला मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ, लिप बाम यूज़ करन तो बाद लिपस्टिक। जिहड़ा मेकअप आ ठीक है वो सारा कंप्लीट हो चुकिया, तो हुण अपना सिर्फ जिहड़े रह गया वो हेयर रह गए ठीक है। हेयर मैं नॉर्मल ही करूँगी, तो बिकॉज एवें ही बस वा के, तो वह मैं तुहानूं जिहड़ी फाइनल लुक आ मैं तुहानूं जांदी जांदी नाले सारा सूट ते नाले सारी फाइनल लुक वो मैं तुहानूं दिखाउणी। हाँ जी आपां हेयर स्टाइल दे विच ठीक आ, पोनी कीती आ सूट नाल कीती आ पोनी ठीक है, दो कीतियां मिडियां बिल्ली वालियां, तो बस आ अपनी जी है अज की फाइनल लुक आ। कॉटन का सूट है जी, ये सिर्फ 9 सूट ही रह गए, 10 सूट का कपड़ा सीगा, एक सूट बन गया ठीक है, तो 9 सूट रह गए। तो जिन्हें जिन्होंने भी बाय करने हो डीएम कर दौ, नंबर देवे वट्सअप कर दौ ठीक है, वट्सअप करके प्राइस पूछ सकते हो, पेमेंट एडवांस होगी ताडे नाप से रेडी होगा, दैन डिस्पैच होगा। तो आह वाला अज सी हल्का जहा मेकअप, उम्मीद करती है तुम्हें साड़ी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वधिया लगेगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो होर वधिया वधिया ब्लॉग देखने के लिए चैनल में जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि पी बच गई। बाय बाय।